हेलो, यस सर, जी अभी आए। मैं कम इन सर। यस कम इन। थैंक यू। मृत्युंजय, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मृत्युंजय, कंपनी तुम्हारे काम से बहुत खुश है, इसलिए तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और साथ ही तुम्हें कंपनी की तरफ से रहने के लिए फ्लैट भी मिलेगा। That's great, sir. Thank you. There's one more thing. वो जो वर्ली में एनिबिसेंट रोड पे टीवी सेंटर के बाजू में अपना साइट है ना, आज से वहां का सारा काम तुम संभालेगा। That's lovely, sir. That's Congratulations. Thank you very much. And all the best. Thank you, sir. Now get on with your work. Okay, sir. चलो बैठो। हेलो हेलो नाना, मैं प्रतिमा बोल रही हूँ। अरे प्रीति मेरी बच्ची। कैसी है मेरी बच्ची? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अभी अभी तुम्हारी माँ से झगड़ कर आ रहा हूँ, कैसा हो सकता हूँ। अच्छा तू बता, कैसा चल रहा है तुम्हारा थिएटर टीवी स्टेशन? अच्छा चल रहा है, आज शाम को मेरे नए शो का ओपनिंग है, आप आओगे ना? आज शाम को? क्यों? अरे मेरी बच्ची प्रॉब्लम है, अधिवेशन का उद्घाटन है, समय मिला तो जरूर आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। हाँ नहीं, कोशिश नहीं वादा, आपको आना ही पड़ेगा। अरे समझदार होकर भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। मैंने कहा ना कि समय मिला तो जरूर आऊंगा, कोशिश करूंगा, नाराज मत होना। ऑल द बेस्ट, परफॉर्म वेल। हाँ ठीक है, अगर आप नहीं आ पाओगे तो मैं आके मिल लूंगी कल परसों में, ठीक है? ओके बाय नाना। मैं नहीं जानती वो पल ज्यादा अच्छे थे जब मैं तुम्हारी पत्नी थी, या फिर ये पल अच्छे हैं जब मैं बहुत बड़ी फिल्म स्टार हूं। क्या नहीं है मेरे पास? मेरे पास सब कुछ है, नाम है, शोहरत है, पैसा है, अवार्ड्स, लेकिन कहीं कुछ कमी है। मैं कुछ खो बैठी हूं जिसे मैं महसूस करती हूं लेकिन जान नहीं पाती। घर में अकेले में जब अपने आप को ढूंढती हूं तो बहुत अकेली हो जाती हूं, चारों तरफ से वीरानियां छा जाती हैं। मैं घर वापस आना चाहती हूं, अपने उस घर में जहां तुम हो, जहां प्यार है, जहां एहसास है। सीमा, जिंदगी की दौड़ में तुम बहुत आगे निकल चुकी हो, अब
जो दिशा अरे भाई गुड परफॉर्मेंस ओह माय गॉड ब्यूटीफुल प्ले नीलाय फैंटास्टिक थैंक्स आई एम सो प्राउड ऑफ यू आई एम हैप्पी न्यू सॉरी माय प्लेजर आई विल सी यू लेटर देन या बाय कैच यू लेटर या बाय बाय यस कम इन हमारे प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं आप तो जानती होंगी मिस्टर अमन खन्ना बहुत बड़े आदमी है मिल लीजिएगा लाइफ बन जाएगी वैसे वो आपका शो देखने आए थे लेकिन उन्हें जल्दी कहीं जाना था इसलिए चले गए यू नो शूटिंग मिक्सिंग एडिटिंग वो तो चलता ही रहता है पर जाते जाते मुझसे कह गए आपको मैसेज देने के लिए आपको कल दोपहर को 2 बजे आना है हमारे ऑफिस में आ जाइएगा लाइव बन जाएगी मिल लीजिएगा जरूर ठीक है मैं सवेरे आपको फोन करके रिमाइंड करता हूँ बहुत अच्छे कीप इट अप आप बहुत बड़ी स्टार बनेंगी आप में हुनर है वो चलो अच्छा मिलता हूँ अच्छा वाह क्या बात है क्या बात है बहुत बड़े स्टार से मुलाकात हो गई एक्सीलेंट तो फिर कैसा लगा बहुत अच्छा वंडरफुल हाँ बहुत अच्छा मतलब कितने स्टार मिले अभी मैं देखूंगी ना वो हाँ पर कितने स्टार मिले अभी वो पढ़ना अरे फिर भी क्या अंतराल हमारा नहीं है लेट्स सी ओके ओके थैंक यू प्रतिमा कांग्रेट्स कैसा था बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था सचमुच नीलोय से मिली हाँ मिली ना उनसे मिलकर ऊपर आ रही हूँ और माँ आई है अरे आई है ना चल मिल ले चल 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 अच्छा लगा आप इधर आइए मुबारक हो बहुत बढ़िया हाँ कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया मगर अच्छा था समझ में नहीं आया नियति निरर्थक है ये समझ में नहीं आया क्या बात कर रहा है ये था हाँ नहीं यार ऑनेस्ट नो जोक्स आई एंजॉयड माय सेल्फ थैंक यू मैं अंदर मिल के आता हूँ पर तू अब इंटेलिजेंट हो गया मैं जाऊँ थैंक यू नमस्कार मुबारक हो अरे बहुत बढ़िया हो कांग्रेचुलेशंस थैंक यू प्रतिमा ऊपर है हाँ मैं मिलती हूँ यहाँ से पीछे से थैंक यू अरे आप जी कैसे हैं आप अच्छी हूँ एक सेकंड ना अरे भाई आपने तो कमाल की एक्टिंग की है एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि आपकी जिंदगी में हकीकत में ऐसा हुआ है नहीं नहीं भगवान ना करे ऐसा कुछ हो प्रति माँ कैसा लगा प्ले बहुत अच्छा रहा आजा नीचे हाँ आ रही हूँ एक्सक्यूज मी मैंने बताया था ना माँ को ये प्ले बहुत अच्छा लगेगा चल 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 अभी बहुत अच्छा रहा nice? हमेशा की तरह liked it और वो तुमने बताया था ना और वो नीली वाली ड्रेस और तुम्हें पहले पसंद नहीं आई थी ना अच्छी थी ना तो मैंने बताया था स्टेज पे अच्छी लगती है but overall you like अपना ही काम करोगी कि बताओगी भी भाई हमारा ड्रामा कैसा लगा बहुत ही अच्छा वो तो आपके चेहरे से मालूम पड़ रहा है कि आपका शो बहुत ही बढ़िया गया हमारे चेहरे से आपको क्या मालूम पड़ा भाई नहीं समझे जब भी आपका शो अच्छा जाता है ना तो आपके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन होती है एक अजीब सी तृप्ति झलकती है तृप्ति हाँ अरे वाह इतना अच्छा नया शब्द जान गए पर ये बताओ जिस दिन हमारा शो खराब हो जाता है तब हमारे चेहरे पर ऐसा क्या दिखाई देता है फ्रस्ट्रेशन बेकार में बात बात पर चिढ़ते रहते हो चीखते हो चिल्लाते हो
अजीब से हो जाते हो। इसका मतलब है तुम हमें बहुत करीब से जानते हो भाई। तो आप क्या समझते हैं? इतने सालों से आपके साथ रह रहा हूं, क्या इतना भी नहीं जानूंगा? नहीं, इतने सालों से आप रेत सीमेंट के साथ भी रह रहे हैं तो मुझे लगा कहीं आपके दिलो दिमाग पर प्लास्टर ना चढ़ गया हो। नहीं, पर ये नहीं है, वाकई में तुम सेंटिमेंटल हो। अरे भाई, इंसान है, जज्बात तो होंगे ना। हाँ, पहले तो नहीं थे, ये अचानक कहां से पैदा हो गए भाई? विच हार्वेस्ट? कहीं जिंदगी में प्रतिमा आने के कारण तो नहीं? हो सकता है, वो लड़की है ही ऐसी, जो भी उसे एक बार देख लेता है उसके मन में प्यार के अरमान जाग उठते हैं। हाय 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 हाय, प्यार के अरमान जाग उठते हैं तो भाई प्रपोज कर ही दो ना। करेंगे, सही मौका आने पर वो भी कर लेंगे। मौका कहाँ, कौन सा मौका सही होता है यार? मौके की अगर तलाश करोगे, इंतजार करोगे तो फिर शादी का, उसकी शादी का इनविटेशन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। वो कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब उसने मुझे पहली बार देखा था तो उसके दिल के तार भी झंझना उठे थे। तार भी झंझना उठे थे, और वो आपको कैसे पता चला था? मतलब पूछने की बात है? टेलीपैथी, मेंटल टेलीपैथी। अरे यार, ये सब छोड़ यार, मैं तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। कंपनी ने मुझे एक नया फ्लैट दिया है। इसका मतलब है मुझे अब अकेला रहने की, मतलब खुद को आदत डालनी होगी। अरे क्यों भाई, आपको फ्लैट से क्या एलर्जी है? अरे बात को समझ नहीं रहा है, आप फ्लैट मिलेगा तो तू शादी करेगा। हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं यार कबाब में हड्डी, कुछ समझ रहा है? जब तक शादी नहीं करता हूँ तब तक तो रह सकता है ना। तुम लोग फिक्र मत करो, अगर ये लोग ज्ञापन से नहीं मानेंगे तो हम धरना देंगे, मोर्चा निकालेंगे। ये आंदोलन भूख हड़ताल या आमरण अनशन तक चल सकता है। अपने आप को तैयार रखो। भाइयों, जरा मुझे 15 मिनट का विश्राम चाहिए, हैं? आपसे बाद में बात करता हूं। आप बाहर बैठे। हाँ, उसे लेके आओ। मेरी बच्ची, आ बैठ 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 बैठ। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, मैं तुम्हारे हालचाल नहीं पता करता, मैं तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाता, इसलिए तुम उसे नाराज है ना? आप सब कुछ जानते हैं, फिर जानबूझकर ऐसा क्यों करते हैं? नहीं मेरी बच्ची, जानबूझकर कोई ऐसा नहीं करता है। सच बात तो यह है कि आजादी के बाद जब मैंने राजनीति ज्वाइन की तब थोड़े ना मुझे मालूम था कि राजनीति मुझे अपनों से दूर कर देगी। फिर छोड़ दीजिए ना सब कुछ। नहीं मेरी बच्ची, छोड़ देने से मैं बहुत तनहा हो जाऊंगा, कमरे में बैठ के इधर उधर की बातें सोचूंगा। मैंने जानबूझकर अपने आप को काम में फंसाया है ताकि तनहापन का एहसास ना हो। सॉरी नाना, मैंने आपका दिल दुखाया ना। अरे ठीक है, जाने दे। देख कितनी तारीफ छपी है तेरी आज एक्टिंग की। हाँ, फोटो के साथ तुम्हारी एक्टिंग की कमाल। आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर, प्राउड ऑफ यू। मैंने इतना भी कुछ नहीं किया है नाना। अरे तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं है, देख देख पढ़े से। वेरी गुड। अच्छा मैं चलूं, मुझे किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाना है। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, आज शाम को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वापसी पे एक दिन पूरा तेरे साथ बिताऊंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस?
खुश रहो। मैं चलती हूँ। खुश रहो। प्रॉमिस। ये नाना पाटिल वायदे बहुत करता है। तो कहावत है ना, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अब क्या हो काका? मिनिस्टर साहब ने वायदा किया है कि बीएमसी के कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। सरकार की तिजोरी में भूनी भांग नहीं है तो बोनस क्या नाना अपने आप को बेच के देगा? ये सोचना उसका काम है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान होने की बात है भाई, कल को हमारी पार्टी की सरकार आ गई और तिजोरियां खाली मिली तो क्या करेंगे हम? हाँ, तुम्हारे एमएलए इसको विरोध करना चाहिए। हाँ, हमारे एमएलए पता नहीं विधानसभा में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। सब ऐश कर रहे हैं काका, आपकी स्थिति जरा सी कमजोर क्या हुई, सब भूलने लगे हैं आपको। काका साहब, मराठे कभी कमजोर नहीं होगा। नाना पाटिल और उसकी पार्टी के लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। एक और खबर है काका, फ्लाई ओवर का नाम नाना अपने पार्टी के नेता के नाम पे रखना चाहता है। न ऐसा कभी हुआ है और न ऐसा कभी होगा। इस शहर पर हमारा राज है, यहाँ की हर सड़क, हर गार्डन, हर फ्लाईओवर का नाम हमारे नाम पर रखा जाएगा। अपने एमएलए की मीटिंग बुलाओ इमीडिएटली। जय भारत, जय हिंद।